अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदेद आज की नई वीडियो में। घर हो या ऑफिस, बिल्डिंग हो या पार्क, पौधों के बगैर देखिए ज़िंदगी अधूरी है। बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते हैं अगर घर के लॉन के अंदर पौधे वगैरह जो है लगाए जाएं तो इंतहाई खूबसूरत मंज़र हो जाता है घर का। मस्जिद का व्यू है और बादल वगैरह भी अभी बने हुए हैं, देखिए। तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि सऊदी अरब से आपको नई और अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। आइंदा भी बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नई बिल्डिंग बन रही है कोई, तो इसके जो पिलर हैं वो इंतहाई छोटे छोटे और बारीक बारीक बने हुए हैं। क्या ये बिल्डिंग जो है जलजले के झटके बर्दाश्त करेगी? मुझे तो नहीं लगता। बहुत छोटे छोटे इसके पिलर हैं। वैसे तो गुड है, बिल्कुल सही है, डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन पिलर इसके अंदर जो हैं बहुत छोटे छोटे लगाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जलजला जो है बर्दाश्त करेगी, लेकिन यहाँ पर जलजले आते नहीं हैं, ये भी एक अच्छी बात। देखिए अंदर इंतहाई छोटे छोटे पिलर के ऊपर पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया है। इस तरफ देखिए तो ये बिल्डिंग जो सामने है ये भी सेम बिल्कुल पोजीशन में है, लेकिन ये रेडी है, ये तो मुकम्मल है, वो अभी बन रही है। यकीनन इसके अंदर भी जो पिलर वगैरह हैं और जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही होगा जैसा कि आपने उस बिल्डिंग का देखा। दोस्तों, वीडियो में नज़र आने वाला शहर जो है ए सऊदी अरब का अल जबेल शहर है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो समझ सकते हैं कि ये सिटी का मेन जो है जबेल सेंटर, वो वाला सिग्नल मुड़ के हम अंदर की तरफ आए हैं। इस रोड पर जिस पर अभी हम जा रहे हैं इसको रियाज़ पार्किंग का एरिया जो है वो मशहूर है, थोड़ा सा हमसे आगे है। हमारी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगती है, आप कमेंट की सूरत में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। तनकीद और जो निशानदेही करते हैं आप दोस्त, हम उनकी बुनियाद पर नई नई चीज़ें सीखते हैं। गलतियों से इंसान सीखता है जैसा कि आपको मालूम है, तो अगर हमसे कोई वीडियो में गलती हो तो ज़रूर बताया करें। अभी थोड़ा सा आगे चल के जो एरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सिग्नल है। जैसे ही आप सिग्नल क्रॉस करते हैं तो ये जो राउंड अबाउट है इसको कश्ती गोल दीवार बोलते हैं, कश्ती वाला चौक भी कुछ लोग बोलते हैं। ये वो जगह है, इसके बिल्कुल सामने जो है बसें खड़ी होती हैं जो कि हज और उमरा में जाने के लिए मक्का के लिए रवाना होती हैं। इस एरिया से जो भी हज उमरा के लिए जाते हैं तो वो पीछे ऑफिसेज वगैरह बने होते हैं इनके, वहाँ से टिकट वगैरह बुक हो जाती हैं और टाइम उनको बता दिया जाता है, तो फिर वो इस तरह की मिलती जुलती बसें यहाँ पे जो भी खड़ी हैं उनमें से जो भी ऑफिस होता है, जो भी गाड़ी होती है वो बता दी जाती है, उसमें बैठ के लोग उमरा के लिए यहाँ से अंदरून सऊदी अरब जो है जाते हैं। जैसा कि ये गाड़ी आप देख रहे हैं ये इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे यूज़ होती है, हज उमरा के लिए भी इसी तरह की गाड़ी इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएं। तो मैं याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बान।